हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में हमारा स्वागत है। और आज हम एक नया प्रोडक्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, CRE 230, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल है अराउंड द वर्ल्ड में और इंडिया में भी काफी लोगों ने बनाया है स्ट्रोक टेस्टर। बट इसमें आपको कॉम्बाइंड फीचर मिलता है, मीन्स ये CRE सिमुलेटर भी है और एक स्ट्रोक टेस्टर भी है। तो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। यहाँ पे आपको देखिए पल्स सेटिंग करने का फंक्शंस भी दिया है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और साथ में AHE मोड भी दिया है, मतलब स्ट्रोक टेस्टिंग करने के लिए दिया है, जो कि ऑलरेडी जो सिंगल सिम्स के जो इंजेक्टर्स आ रहे हैं उसके लिए है। बाकी डिजाइन अच्छी है, काफी कॉम्पैक्ट है और बाकी ऑन ऑफ स्विचेस भी दिए हुए हैं, ये आपके कनेक्टर्स के लिए है, ये सेफ्टीज के लिए। ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट लगा हमने, तो हमने इसको इम्पोर्ट किया है और बोले क्यों ना आपको इंट्रोड्यूस करें इसके बारे में और डिटेल्स के लिए। तो इसके साथ क्या क्या आता है देखते हैं। एक तो इन्होंने कैटलॉग दिया है जिसमें इन्होंने बताया बॉश, डेल्फी, डेंसो, सीमेंस और कैट लो कैट लाई इंजेक्टर्स में काम करेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर सकते हैं और इसके साथ इसके पल्स को भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें फीचर्स दिया हुआ है। इसके साथ ये दो अडाप्टर्स आते हैं इसके पैकिंग स्लिप के साथ में और ये कनेक्टर आता है, ये हमने एडिशनल एक रखा हुआ है चेक करने के, देखते हैं कि इंजेक्टर कैसे काम करता है। और ये कपलर सेट है और ये कुछ नीडल्स हैं जो कि डायल गेज के समय काम आते हैं। इसके साथ डिजिटल डायल गेज नहीं आता है, तो वो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, अमेजोन में मिल जाता है, वो करीब 1200 से 1500 के बीच में रेट्स हैं, तो डिपेंड करता है आप किस जगह से खरीदते हैं, तो वो आप लेके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और स्ट्रोक टेस्टर के ऊपर काफी वीडियोस भी बने हुए हैं, तो देखते हैं इसमें फीचर्स कौन करके इसमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है और अदर पैरामीटर्स कैसे हैं, तो एक बार हम चेक करते हैं। तो कनेक्टर मैंने लगाया हुआ है, इसको मैं कनेक्ट कर ले आ जाएगा। ओके, तो ये कनेक्टर है, हमने पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है और इसको हमने कनेक्ट कर लिया। ओके, और अभी तो ये ऑन आई थिंक नहीं है और ये बटन हमने ऑन किया तो ये ऑन हो गया है। और फीचर्स देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। राइट, आ रही है डिस्प्ले, आ रही है। ओके, तो ये बॉश का है, इस समय सेट है। ये देखिए आपका जो पल्स है ये मैं बढ़ा रहा हूं तो ये पल्स आपकी बढ़ रही है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी अभी 18 हर्ट्स में है, इसको हमने कर दिया। मान लीजिए नॉर्मली अपन इंजेक्टर टेस्टिंग करते हैं हम लोग तो इसको 13 हर्ट्स के आसपास हम लोग करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपने हाथ में कंट्रोल है, मतलब दो चीजें इसमें दे दिया है। और मॉडल जैसे अब इसमें बॉश है, इसको बटन दबाइए, अब ये डेंसो में चला गया तो आप सारे डेंसो के इंजेक्टर चेक कर सकते हैं, ये डेल्फी में चला गया तो डेल्फी में चेक कर सकते हैं, कैट लो में चेक कर सकते हैं कैट के इंजेक्टर, कैट हाई कर सकते हैं और उसके बाद ये AHE मोड में कन्वर्ट हो जाता है। AHE मोड में आप क्या कर सकते हैं, अभी AHE मतलब स्ट्रोक टेस्टिंग वाला मोड आ गया, तो इसमें जो सिंगल सिम्स के जितने भी इंजेक्टर्स आते हैं वो मैं नंबर्स आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि कौन कौन से नंबर्स के इंजेक्टर्स इसमें आते हैं सिंगल सिम में, जिसमें स्ट्रोक से चलते काफी दिक्कतें आती है, तो स्ट्रोक टेस्ट लेना कंपलसरी है, उसके बगैर आप वर्कशॉप में रन ही नहीं कर सकते। काफी आप बनाओगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, इंजेक्टर भले आप बना लोगे बट क्वालिटी को लेकर काफी इश्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए अपन जब AHE मोड में भी जा रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास सेटिंग्स का है कि हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये देखिए पल्स भी कम ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा हो रही है AHE मोड में। तो AHE मोड से जरा बाहर आ जाते हैं हम लोग बॉश में, और एक पहले इंजेक्टर टेस्टर भी देखते हैं कि जैसे इनकेस अगर आपका इंजेक्टर आ गया है और आप इंजेक्टर बनाना चाहते हो तो इसी सिमुलेटर से आपका वो भी काम हो जाएगा। तो एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ बॉश के इंजेक्टर को और देखता हूँ ये कैसा काम करता है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में या तो आपको सिमुलेटर मिलेगा या तो आपको AHE टेस्टर मिलेगा, स्ट्रोक टेस्टर मिलेगा, तो दो अलग अलग डिवाइस करनी पड़ती है। अगर हम लोग सिमुलेटर भी खरीदते हैं तो आपको 15,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक सिर्फ सिमुलेटर्स आते हैं, और अगर हम AHE टेस्टर भी खरीदते हैं तो मार्केट में 25,000 से लेकर स्टार्ट हो जाता है। तो दो अलग अलग डिवाइस के साथ काम करने से अच्छा है क्यों ना हम कॉम्बो में काम करें। तो ये जो डिवाइस है कंप्लीट कॉम्बो डिवाइस है जिसमें दोनों फीचर्स हैं और आपकी आवश्यकताओं की पूरी करता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, सारे काम आपके हो जाते हैं। तो चलो पहले बॉश को कनेक्ट करके देखते हैं हम, इसके साथ जो लगा तो मैं जरा कनेक्ट कर दूं और देखते हैं कैसा क्या काम करता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है केबल्स को और जरा इंजेक्टर्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कपलर्स आया हुआ है और इसके साथ इन्होंने बॉश का दिया हुआ है, इसको हम लोग इसमें से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्टर्स है आपका लगा हुआ है बॉश के लिए। ओके, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जस्ट राइट। टाइट हो गया और इसको हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं और ये आराम से चला जाए। ओके, लॉक हो गया, तो ये आपका बॉल कनेक्ट हो गया।
स्लोप डाउन में भाग जा रहा है ये मान। ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है और इसको देखते हैं, ये हो गया है, हमने यहाँ पे पल्स की वैल्यू है ये हो गया और ये फ्रिक्वेंसी हो गया और ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, वॉश हो गया राइट और सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इंजेक्टर को कमांड्स मिलना चालू हो गया। ये आपको साउंड जो आ रही है ना, ये इसकी फायरिंग, अगर इसको हम किसी डीजल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब टेस्ट बेंच में लगा दिए या इंजेक्टर टेस्टर्स में लगा दीजिए, तो यहाँ से ये फायरिंग करने लगेगा। इट मीन्स क्या है, ये सिमुलेटर काम करता है, इससे ये बात साबित होती है कि हाँ भाई ये इसमें बॉश, डेल्फी, डेंसो, सीमेंस, पीजेट सारे इंजेक्टर्स आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मोड आपका आ गया। और स्ट्रोक टेस्टर के लिए हमने ऑलरेडी एक सेटअप बैठाया हुआ है, तो हम स्ट्रोक टेस्टर के ऊपर भी चलते हैं अपने वर्कशॉप में और देखते हैं कि स्ट्रोक टेस्टिंग में किस टाइप के पैरामीटर्स आते हैं और कैसे क्या टेस्टिंग होती है। उस समय हम लोग को ये अडाप्टर्स और इसका इस्तेमाल करेंगे और एक ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल डायल गेज है, तो उसके साथ हम आपको थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी देना चाहेंगे। तो चलिए मूव करते हैं वर्कशॉप के, आइए हम वर्कशॉप में आपको लेके आए। यहाँ पे रहमत जी है, मशीन को उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है और देखते हैं इसमें क्या फीचर्स है। इस जगह पे देखिए ऑलरेडी मैंने जैसा आपको बताया है एची मोड में ऑलरेडी सेट है और वॉइस के हिसाब से हमने एक इंजेक्टर को महिंद्रा का सेट करके रखा हुआ है, डायल गेजेस लगे हुए हैं और सारे कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं रहमत जी से विस्तृत में कि इसमें क्या पैरामीटर्स है, कौन से इंजेक्टर्स होते हैं और सेटअप इन्होंने कैसा इसको लगा के रखा है, परफॉर्मेंस कैसी है मशीन की ओवरऑल, जैसे इन्होंने सेट करके रखा है। देखिए अडाप्टर्स है और एक डिजिटल आपका गेज लगा हुआ है, तो थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे रहमत जी से हम लोग इस बारे में और बाकी इसमें कैसा वर्किंग करना है इसके बारे में थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं आप हम लोगों से, दिए हुए स्क्रीन पे नंबर ऑलरेडी हमने दिया हुआ है इस प्रोडक्ट। ओके रहमत जी, थोड़ा सा बताएंगे आप इस बारे में कि स्ट्रोक टेस्टर आप यूज कर रहे हैं और कैसा इसकी परफॉर्मेंस है और इसमें कैसे काम करते हैं, क्या इसमें सेटिंग्स की जाती है। ये छोटी सी मशीन है, कैम्बो बॉक्स है, अच्छा है, बहुत अच्छी है मशीन है। ये खासकर ये महिंद्रा के जो आ रहे हैं आप इंजेक्टर, और ये महिंद्रा की गाड़ी में जो सिंगल सिम दे रहा है, अब सिंगल सिम में क्या करते हैं आदमी लोग मशीन में चेक कर देते हैं, मशीन में चेक करने के बाद गाड़ी में जो परफॉर्मेंस आती है अंटिंग प्रॉब्लम बहुत आती है। अब उनके पास इस सिस्टम नहीं है कि वे सिम सेटिंग कैसा करेंगे, इसलिए ये सिम सेटिंग के लिए जो मशीन है, ये जो बॉक्स है, इसमें क्या है आपको प्ले सिम का बता देगा कितना जो आ रहा है क्या आ रहा है करके। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सिंगल सिम के आ रहे हैं 557441 498 4992, ऐसे और भी बहुत से इंजेक्टर हैं, इसमें सिंगल सिम दिया है। अब सिंगल सिम देने के लिए जो सेटिंग के लिए है ये कितना गैप आ रहा है क्या आ रहा है अब पता नहीं चलेगा, इस वजह से ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे सिस्टम लगा के हैं। यहाँ पे हमें स्टॉक चेक करके आपको बताएंगे, आप देख लीजिए इधर रमेश, इसमें आपने मतलब पल्स क्या लिया हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या ली है और देखो इसमें क्या कैसे करते हैं थोड़ा सा। अब जैसा पल्स लिया हमें यहाँ पे सेट करके छोड़े हैं 800, अब उसमें 13.5 दे दिया है तो उतना ही रखना है कि नहीं, उसमें और भी कम सर्च भी करेंगे तो चल जाएगा। इसमें यहाँ पे आना है आपको मीटर में, जब स्टॉक चेक करेंगे 0.4 आना है, जब 0.4 आ गया तो आपका इंजेक्टर करेक्ट है, इसमें अंटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी डायल गेज को जैसे सेट करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है, सावधानी रखना है, लोग गलत सेटिंग कर देंगे तो फिर वो आपको 0.0 करके अच्छे से बराबर बिठा के इसको चेक करना पड़ेगा, उसमें सावधानी रखनी, सावधानी रखनी पड़ेगा क्योंकि डिजिटल मॉडल है, थोड़ा 19-20 होते रहता है, इस वजह से आपको जरा इसकी जीरो करके ही काम करके ये करना है। अब जैसे हमें यहाँ पे स्टॉक चेक, इसको बताइए कैसे ऑपरेट कर रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए अब 4 आ गया था, अब इसके बाद फिर इसको दबाएंगे ना, अब फिर नहीं आएगा। यहाँ पे एक स्टार है, स्टार है, वो स्टार जब जाएगा ना फिर आप इसको स्टॉक चेक कर सकते हैं। हम ऑफिस में फोकस कीजिए आप, इसमें जरा हम लोग देखें जरा कैसा क्या इसमें डिजिट में चेंज आता है। 4 आया यहाँ पे, एक बार और स्क्रीन पे अच्छे से बता दीजिए कि यहाँ पे क्या स्टार्स आ रहे हैं। ये स्टार आएगा तो ये स्टार आएगा, जब स्टार चला गया तो अपने को कमांड देना है। डिजिटल गेज में इसको फोकस करते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है, जस्ट मिनट वेट कीजिए। हाँ ओके, अब ये आया था जस्ट, मतलब इसकी ये फाइनल रीडिंग अगर ये आ गया है तो अपना ये इसकी मतलब परफॉर्मेंस सही है। अगर आपने सही किया नहीं तो आपको सिम सेटिंग या इंजेक्टर को खोल के वापस ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका 3 आ रहा है, 2 आ रहा है तो आपकी सेटिंग सही नहीं है, आपको सिम मोटा पतला करके सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में आप बताइएगा, हम लोग अगली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंजेक्टर्स अवेलेबल रहें और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए उस बारे में रहमत जी से
से हम टेक्निकल डिस्कशन दे सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, और कैसे इसमें क्या क्या गेजेस लग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और दो डिफरेंट टाइप्स इंजेक्टर्स में क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो उस बारे में अपन विस्तृत में थोड़ा सा आप बताइएगा अगली बार, अगली बार अगली वीडियो में हमें इसका पूरा स्टेज थ्री का भी बताएंगे हम, स्टेज थ्री में कैसा करना है क्या करना है करके स्टेज थ्री का भी बताएंगे। ओके ओके ठीक। ये अभी नया भी आके है, इसमें अभी सीआरडी टूल्स में जो है स्टेज थ्री आके है हमारे पास, स्टेज थ्री का भी टूल्स आप ले सकते हो, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे उसमें अवेलेबल है, वो कैसा करेंगे क्या कैसा कौन से इंजेक्टर में कौन से नंबर वाला आपको टूल्स फिट होगा वो सब आपको अगली वीडियो में हम पूरा क्लियर से बताएंगे। बेसिकली एक्चुअली हम लोग सारे सीआरडी सिमुलेटर्स में डील करते हैं, सारे टूल्स एंड टैकल्स में डील करते हैं, मतलब आपको अगर स्टार्ट बोले तो हमारे पास नॉर्मल मिनी सीआरडी सिमुलेटर से लेके डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी ऑफ द सीआरडी सिमुलेटर्स मिल जाएंगे। इसके साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, इसके साथ साथ सीआरडी के स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, मशीनरी रिलेटेड अगर आप बोलेंगे कि एफआईपी अटैचमेंट बोलेंगे या मॉडर्न एफआईपी अटैचमेंट के कार्य करेंगे तो ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी कंट्रीज की कोई भी मशीन अगर आपको पसंद आती है आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उस मशीन को इंपोर्ट करके आपके घर तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी होगी, हम आपको बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंपोर्ट्स के लिए। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और अगली जानकारी आपको मिलती रहेगी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी और हमारे पार्ट से रिलेटेड भी। तो हम लोग नॉट ओनली ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ साथ हम आपको एक सर्विस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि काम कैसे होगा और काम किस तरीके से किया जाता है, और इसके बराबर रेगुलर हम लोग अपडेट्स मार्केट में देते रहते हैं, और ट्रेनिंग से रिलेटेड हमने नेक्स्ट मंथ से हमारी ट्रेनिंग चालू हो रही है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारियां विस्तृत स्क्रीन पर दी जाएगी और हमारे क्वांटिटीज ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, तो आप हमसे जुड़िए और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको तत्पर जवाब देने के लिए। इसी प्रकार धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में बने रहिए।